दोस्तों, मैं हूं मिस्टर देव और आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक्सेल के अंदर सिनेरियो मैनेजर और सिनेरियो समरी कैसे अप्लाई करते हैं लर्न करना सीखेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, या फिर आप www.youtube.com/informationfinder से भी इसे आप फाइंड कर सकते हो। तो ये दोस्तों, हम देखते हैं आज एक्सेल के अंदर सिनेरियो मैनेजर कैसे वर्क करता है। तो सिनेरियो मैनेजर के लिए हमें डाटा टेबल रेडी करना पड़ेगा। आइटम नेम, वीक वन, या फिर आप यहाँ पर क्वांटिटी लिख सकते हो और यहाँ पर आप अमाउंट लिख सकते हो। तो आप क्वांटिटी आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर। और आप यहाँ पर क्वांटिटी शो कर सकते हो। इस टाइप में और आप जितनी क्वांटिटी आपने ली है उन सब का अमाउंट एक साथ डिफाइन कर सकते हो। लाइक आपने 23 क्वांटिटी ली है और इस पे अमाउंट लगाया आपने 1000, लाइक इस टाइप में। अब आपने जितना भी अमाउंट लगाया है उन सब का सम निकाल लीजिए। सम निकालने के बाद आप जहां पर आपने सम का फार्मूला लगाया है उसे लीव कर दीजिए और बाकी सेल को सिलेक्ट कीजिए, अमाउंट प्लस जितना अमाउंट आपने दे रखा है। अब आपको डाटा के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर सिनेरियो मैनेजर का ऑप्शन दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर सिनेरियो का नाम देना है, लाइक आपने नाम दिया सेल अमाउंट, ओके। अब आप यहाँ पर भी इसका नाम चेंज कर दीजिए और यहाँ पर आप वैल्यू चेंज कर दीजिए, यानी कि आपने जो प्रोडक्ट 1000 रुपये में ख़रीदा था आप उसे 1500 रुपये पर सेल कर रहे हो। इस तरह से आप सबकी वैल्यू को इंक्रीज कर दीजिए। आप फिर से एक बार ऐड पर क्लिक कीजिए और सेकंड ऐड सिनेरियो का नाम रख दीजिए। तो लाइक लमसम अमाउंट रख देते हैं, ओके। और यहाँ पर भी आप इसका नाम लमसम रख सकते हो। तो लमसम में आप जैसे आप यहाँ पर 1100 दे रहे हो या फिर आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हो। देन ओके। अब आप यहाँ पर देख सकते हो सिनेरियो मैनेजर इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपके पास एक सेल अमाउंट है और एक लमसम अमाउंट दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ऐड, डिलीट, एडिट, मर्ज और लास्ट में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है समरी। तो आप देखना चाहते हो समरी कि सेल अमाउंट और लमसम अमाउंट के अंदर आपको कितना प्रॉफिट होगा।
तो आप समरी पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर सेनेरियो समरी डायलॉग बॉक्स खुल गया है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि सेनेरियो समरी चाहिए या फिर सेनेरियो पॉइंट टेबल रिपोर्ट चाहिए। तो आपको यहाँ पर सेनेरियो समरी सिलेक्ट करना है और रिजल्ट सेल, अब आप यहाँ देख सकते हो रिजल्ट सेल पर कर्सर हाईलाइट है, तो आपने जहाँ पर सम का फार्मूला लगाया था उस पर क्लिक कीजिए यहाँ पर, देन ओके। तो इस तरह से आप सिनेरियो समरी देख सकते हो कि आपने जितनी क्वांटिटी खरीदी थी, लगभग 5,000 रुपीज़ का परचेज किया था, अगर आप इसके अकॉर्डिंग सेल करते हो तो आपको इतना प्रॉफिट होता है, और अगर लमसम के अमाउंट के अकॉर्डिंग आप सेल करते हो तो आपको इतना प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों ये था आपका सिनेरियो मैनेजर। तो इस तरह से आप सिनेरियो मैनेजर क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम आज का, और अगला टॉपिक है हमारा रिमूव डुप्लीकेट, कि हम अपने एक्सेल शीट से डुप्लीकेट को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर वैल्यूज़ लेनी है कॉलम के अंदर इस टाइप में, इस टाइप में मान लीजिए आपका डाटा है और आप देखना चाहते हो कि इसके अंदर जो डुप्लीकेशन है, यानी एक वैल्यू दो या दो से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, उनको आप रिमूव करना चाहते हो, तो इन सबको ऐसे सेलेक्ट कीजिए और डाटा के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको डाटा के अंदर ऑप्शन दिखाई देगा रिमूव डुप्लीकेट। तो आपको इस रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कॉलम ई सिलेक्ट हो गया है। अब जैसे ही आप इसे ओके करोगे, आपको ये वार्निंग देगा कि इसने 10 डुप्लीकेट वैल्यू ढूंढ ली है और 12 यूनिक वैल्यू आपके पास बची हुई है। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हो। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है आज आपका टेक्स्ट टू कॉलम, कि टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है और कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक्सेल के सेल पर टाइप करते हैं और कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता और कंटिन्यू हम लिखते रहते हैं, इस टाइप में हम कंटिन्यू लिख देते हैं, मोहन इस तरह से कई बार लिखा जाता है। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम, हमें दोबारा डिलीट करना पड़ेगा और एक सेल पर आप एक ही नाम लिख सकते हो। तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, सभी को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिस सेल पर ये लिखा है उसे क्लिक कीजिए, डाटा के अंदर चलिए और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा डाटा टूल के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड दिखाई देगा, यहाँ पर है डिलिमिटेड, डिलिमिटेड पर आपको नहीं क्लिक करना है, क्योंकि डिलिमिटेड पर क्लिक करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर फिक्स वेट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि सबके बीच में ऑलरेडी एरो का साइन दिखाई दे रहा है। अब आपको नेक्स्ट करना है और फिनिश पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही फिनिश पे करते हो, सभी के सभी नेम्स अपने अपने सेल पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप एक सेल के टेक्स्ट को आप अलग अलग टेक्स्ट सेल में
चेंज कर सकते हो टेक्स्ट टू कॉलम से। अब अगला टॉपिक है आपका ऑटोफिल ऑप्शन और एक्रॉस वर्कशीट हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ऑटोफिल के लिए आपको एक्सेल क्लास वन के अंदर मैंने बताया था कि कस्टम सीरीज कैसे बना सकते हैं हम, नंबर सीरीज कैसे बना सकते हैं, उसके लिए ऑटोफिल आपका इस्तेमाल होता है। होम के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो फिल ऑप्शन, इसके अंदर आता है आपका सीरीज। तो जैसे कि आपने यहाँ पर कोई वैल्यू रख दी है 5 और आप इसमें फिल करना चाहते हो तो आप यहाँ से डाउन कर सकते हो, जिसकी शॉर्टकट कमांड है आपकी कंट्रोल डी, या फिर आप यहाँ से भी इस तरह से क्लिक कर सकते हो तो ये ऑटोमेटिक फिल कर लेता है। इसी तरह से अगर आपको राइट साइड फिल करना है तो राइट साइड सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा राइट, तो इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल आर, आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ये अपने आप फिल कर देगा। इसी तरह से इसके अंदर आप अप साइड में कर सकते हो, लेफ्ट साइड में कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं हम सीरीज की तरफ। अब आपने यहाँ से इतना सेलेक्ट कर लिया है सीरीज, तो पहला ऑप्शन है इसके अंदर लीनियर। लीनियर के अंदर क्या होता है, ऐड का काम होता है, जैसे कि आपने यहाँ पर वैल्यू दे दी है 2 और स्टॉप वैल्यू आपने दे दी है यहाँ पर 15। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि 5 जो वैल्यू आपने सेलेक्ट कर रखा है इसके अंदर 3 ऐड होने लग जाएगा, और जब उसकी वैल्यू 15 तक पहुँचेगी तो वहाँ पर जाकर ये रुक जाएगा, करेक्ट इस तरह से। क्यों यहाँ 14 पर रुक गया है, क्योंकि 14 पर 2 ऐड करने पर 16 हो जाता है, लेकिन हमने वैल्यू वहाँ पर 15 शो कर रखा है इसीलिए ये 14 पर रुक गया। इसी तरह से हम आगे लीनियर की जगह आप ग्रोथ कर सकते हैं। ग्रोथ के अंदर आपका इंक्रीमेंट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, हम चाहते हैं कि इसके अंदर 2 मल्टीप्लिकेशन होने लग जाए और 20 पे स्टॉप हो जाए, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 20 पे स्टॉप हो गया है, लेकिन सिलेक्शन आपका पूरा है, लेकिन कंडीशन की वजह से ये 20 पे ही स्टॉप हो गया है। इसी तरह से इसके अंदर डेट सीरीज है, डेट के अंदर आपकी डेट आ जाएगी, वीकडे आ जाएगा, मंथ आएगा, ऑटोफिल सेम टू सेम आपका कंट्रोल डी का काम करता है। इसी तरह से आगे चलते हैं, अगला है आपका एक्रॉस वर्कशीट। एक्रॉस वर्कशीट होता है कि आप अपने सीट का डाटा या फॉर्मेटिंग आप दूसरे सीट पर लेके जाना चाहते हो एज इट इज टाइम पे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक बार सीट बढ़ा देता हूँ, इस प्लस के साइन पे क्लिक करोगे तो सीट बढ़ जाएगी। अब आपने इसे सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाइए, अब देखिए यहाँ पर ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो हाईलाइट करने के लिए आप कंट्रोल को होल्ड कीजिए, कंट्रोल की को, और सीट पर क्लिक कीजिए। अब जैसे ही कंट्रोल और सीट पर क्लिक करते हो एक्रॉस वर्कशीट हाईलाइट हो जाता है, उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स खुल जाता है और पूछता है आपसे कि पूरे के पूरे डाटा को लेके जाना है या कंटेंट को लेके जाना है, तो ऑल कंटेंट या फॉर्मेट को पहुँचाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर ऑल को सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यह सीट 5 पर जैसे ही क्लिक करोगे वो डाटा आपका सीट नेक्स्ट पर आ गया है, और आप अगली सीट पर क्लिक करते हो तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो कि ये डाटा यहाँ पर आ गया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि आप चाहते हो कि सीट 3 पर आपने या सीट 1 पर बहुत सारा डाटा लिख रखा है और उसमें से आप कुछ हिस्सा चूज करके दूसरी सीट पर ले जाना चाहते हो वन टाइम पे एक से ज़्यादा सीट पर, तो आप एक्रॉस वर्कशीट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह से मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, अब हम देखते हैं कि फॉर्मेट
एक सीट से दूसरी सीट पर जा सकता है कि नहीं। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, इस पर आप फॉर्मेटिंग कर दीजिए। मैंने इसमें फॉर्मेटिंग लाइक कलर चेंज कर दिया इसका और रेड कलर भी। अब इसी तरह से कंट्रोल के साथ जिस सीट पर लेके जाना है उस सीट को सेलेक्ट कीजिए। फिल के अंदर अक्रॉस वर्कशीट, अब आप यहाँ पर फॉर्मेट को सेलेक्ट कीजिए क्योंकि कंटेंट आपका ऑलरेडी जा चुका है। तो हमने फॉर्मेट सेलेक्ट किया है, ओके। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है जो आपने यहाँ से सेलेक्ट किया था। तो इस तरह से आप अक्रॉस वर्कशीट बना सकते हो। तो दोस्तों, आज का ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, आप इस चैनल पर जाकर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।